नौजवान, तरीके इंसाफ के नौजवानों ने ये साबित कर दिया है, मौसम कैसा भी हो, मौसम में सख्ती आए, बारिश आए, आंधी आए, ये कुल्लू बताए या ये पुलिस आए, कोई भी आ जाए, हम अपने अपने मकसद के पीछे नहीं हटने वाले। मुझे मेरे नौजवानों के शोर से पता चलता है कि मेरे साथ कितने नौजवान हैं। सबने हाथ हवा में बुलंद करके ये बताना है कि कंजे भाग जा। मैं ये अभी मुझे बताया ये बताया गया कि इंडिया के वजीर आजम को नवाज शरीफ के भेजे हुए आम पसंद नहीं आए, उसने गुस्से में पानी छोड़ दिया। और सबसे मजे की बात आपको बताता हूँ, नवाज शरीफ ने शलवार में हवा भर के 450 लोगों को बचा लिया है। वो कहता है जिधर जिधर फ्लड जाएगा मैं साथ साथ जाऊंगा, मेरी तो दुआ तू उसके अंदर ही चला जा, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या आपको जरूरत है? मुझे आवाज ही नहीं है, आपकी आवाज इस्लामाबाद तक जा रही है। क्या आपको कंजों की जरूरत है? नवाज शरीफ समझ जा, मुझे तुम पे तरस आ रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं अक्सर अपने एक तकरीर में ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ इस दफा तुम्हें बाथरूम में नहीं चुपने दूंगा, इंशाल्लाह ना चटा भेजूंगा। मेरा ख्याल है अटे का किला अभी भी साबित है, हम तुम्हें वहां पे मार देंगे। ये मेरे नौजवान है, तुमसे एक एक पाकिस्तानी के खून के कतरे का बदला लेकर तुम्हें पाकिस्तान में बैठ जाने को नौजवान देंगे। नौजवानों, ये मुझे अभी कुरैशी साहब ने बताया कि फ्लड में फंसी हुई भैंसे भी आजकल नारा लगाती है गो नवाज। अगर तू इंसानों की बात नहीं मानता तो चल वहां पे तरस खा ले गंजे। हमें मेरे नौजवान, मेरे पाकिस्तानी, करप्शन की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट करप्शन की। अभी अभी असद उमर बता रहा था, अभी असद उमर ने मुझे रिपोर्ट दी है करप्शन की इंतहा कर दिया है। दो तीन छोटे छोटे नुस्खे मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो टैक्स देते हैं, ये हसन इकबाल बहुत गरीब आदमी है बेचारा, पूरे 11 साल से सिर्फ 11,000 रुपया टैक्स देकर पाकिस्तान के कौम पे एहसान कर रहा है। और नवाज शरीफ साहब, आज मैंने कल रिपोर्ट देखी, आपने कहा इंसाफ बाउंड्री बेच कर मैंने बैंकों के कर्जे दे दिए। मुझे ये बताओ आपने किस रिश्तेदार को बेची है? झूठा झूठा झूठा। ये वो कंजे जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के पैसे से बाहर से जाकर कंजे सर पे बाल लगवा सकते हैं, पाकिस्तान को कभी ठीक नहीं कर सकते। पिछले 30 साल से पंजाब में कमेंट कर रहे हैं, मुझे ये बताए कोई एक ऐसा इकदाम बता दे जो गरीब मजलूम अवाम के लिए, ऐसे लोग जो हर साल ब्लॉक में जाते हैं उनके लिए आपने किया हो। आप मुझे, मेरा ख्याल आपको तो शर्म भी नहीं आती कि आप एक भी ऐसा इकदाम नहीं बता सकते जो फ्लड से बचाव के लिए आपने किया हो। शर्म से डूब मरने का मुकाम है नवाज शरीफ, आपने सिर्फ और सिर्फ इकदाम किए तो अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के किए हैं, जो इकदाम हुए अपने खानदान के लिए किए। पाकिस्तान के अवाम आपसे अब तंग आ चुकी है। आखिर में
आखिर में आपको मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ, सारे जानते हैं पांच पार्टियों का इतिहास था, हमारे एहतशाम खान ने पांचों को कितना पैंटा लगाया है, ये पांच पार्टियां मुझ पर